किर्गिस्तान के दारुलहुकूमत बिश्केक में तलबा ग्रुप्स लड़ पड़े। मकामी तलबा के पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तालिबे इल्मों के हॉस्टल्स पर हमले, तोड़ फोड़ और हंगामा आराई, शीशे तोड़ डाले, अमलाक को नुकसान पहुंचाया। भारतीय, बांग्लादेशी और मिस्री तलबा पर भी बदतरीन तशद्दुद, तालिबात को भी नहीं छोड़ा, पुलिस तमाशा देखती रही। सिक्योरिटी इदारे हालात कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम, सख्त कशीदगी के बायस फौज तैनात कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिश्केक में पाकिस्तानी सफीर से टेलीफोनिक राब्ता, अपने तलबा की हर मुमकिन मदद की हिदायत, उन्हें बर वक्त मालूमात फराहम करने की ताकीद की। शहबाज शरीफ ने कहा कि सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं तलबा पर हुजूम के हमलों की इतलात इंतहाई तशवीशनाक है, पाकिस्तानी तलबा का तहफ़ यकीनी बनाने के लिए हुकाम से राब्ता किया है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से एमरजेंसी नंबर फराहम कर दिए गए। अब तक तलबा की सैकड़ों फोन कॉल्स का जवाब दिया गया है। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का बयान, कॉल्स की ट्रैफिक ज्यादा होने के बायस तलबा को व्हाट्सएप पर मैसेज करने की हिदायत। पाकिस्तानी सफीर हसन जैगम कहते हैं तलबा और उनके वालदैन से राबते में है, हंगामाराई में किसी पाकिस्तानी की हलाकत नहीं हुई, 14 जख्मी हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुताल्लिक खुसूसी इजलास, लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और मैनेजमेंट ऑफ स्टेट लैंड की बिजनेस प्लान के उमूर पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने डिजिटलाइजेशन के लिए जरूरी इकदाम की हिदायत कर दी। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात खत्म, मालियाती इदारे ने हतमी मुआहदे के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 20 मई से शुरू होंगे, नए कर्ज प्रोग्राम के हजम पर बातचीत मुतबक है। ज़राए के मुताबिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान है। बिजली दो, पानी दो, शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, कराची वालों का पारा हाई। लाइन्स एरिया के मकीनों का शदीद एहतजाज, कॉरिडोर 3 को ब्लॉक कर दिया। मुश्तल मुजाहरीन की शरह फैसल को भी बंद करने की कोशिश, पुलिस रुकावट बन गई, दोनों सड़कें खुलवा दी। लियारी समेत ओल्ड सिटी एरिया में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 18 घंटे तक पहुंच गया। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लाइन एरिया के मकीनों पर 2 अरब और लियारी वालों पर 19 अरब रुपए के वाजिबात हैं। PIA के इस्लामाबाद से टोरंटो जाने वाली परवास में फनी खराबी, तैयारे का रुख कराची की तरफ मोड़ दिया गया। जहाज में 280 मुसाफिर सवार थे। बोइंग 777 तैयारे में पहले भी फनी खराबी रिपोर्ट हो चुकी है, तैयारे को हाल ही में चेकिंग के बाद क्लियर करार दिया गया था। परवास मुमकिन तौर पर आज दोपहर 1 बजे टोरंटो रवाना होगी। सादिकाबाद कौमी शाहरा पर पेंट फैक्ट्री में आग भड़क उठी, शोलों ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू की 2 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। कराची के इलाके अजीजाबाद भंगोरिया गोट में गत्ते की फैक्ट्री में आग बुझा दी गई। और मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का अलर्ट जारी, कई जगह बारिश भी मुतवक है। लाहौर में पारा 44 डिग्री तक जाने का इम्कान, 21 से 27 मई तक सूरज आग बरसाएगा। कराची में भी मौसम इंतहाई गर्म, दर्जा हरारत 38 डिग्री रहेगा, गर्मी 42 डिग्री की महसूस होगी।